Co? ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को नारद जयंती होती है। नारद जयंती मतलब देवर्षि नारद जिनको मैं पत्रकारिता का पुरोधा मानता हूँ। सबसे पहले मैंने ये स्थापना महेश्वर में की थी, पर मेरे साथ पत्रकार तुषार कोठारी, पत्रकार कमलेश पांडे, हरीश कुरेशी थे, तो मैं चाणक्य और उसके साथ साथ कालिदास से बोल रहा था तब तुलना को, तब ये नारद जी का जिक्र है। तो माँ मैंने स्थापना की थी, तो दूसरी स्थापना की थी कि वेद व्यास दुनिया के पहले संपादक है, महाभारत लिखने का कार्य से ही बड़ा कार्य था संपादन करना वेदों का, तो वो उन्होंने किया। अब मैं खासतौर से वर्तमान पत्रकारिता का जो स्वरूप है, मीडिया के जो लक्षण हैं, लक्षणों को इनवर्टेड कॉमा में समझिए, लक्षण है उनको देख कर वो नारद जी की पत्रकारिता के संदर्भ को देख करके मैं संदेह देना चाहता हूँ। देखिए, नारद जी की सबसे बड़ी बात यह है कि वे पाखंड की पीठ पर चुनौती का चाबुक मारने के लिए इस लोक से उस लोक तक संवाद करने जाते हैं। उनकी संवाद में, देवर्षि नारद के संवादों के संकलन में ना तो मिलावट होती है, ना आडंबर होता है, ना घालमेल होता है, और ना झूठ होता है। मतलब वो फेक न्यूज़ नहीं होती, फेयर न्यूज़ होती है। तो वर्तमान पत्रकारों को जो फेयर न्यूज़ देना चाहिए, फेक न्यूज़ नहीं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी मीडिया संस्थान हो, कोरोना का काल चल रहा है, जैसे काल बना हुआ है, तो न्यूज़ गढ़ों मत, दूसरों के सिर पर बढ़ो मत, और अपने न्यूज़ की वाहवाही के लेकर के जो दूसरों के सिर पर चढ़ो मत। न्यूज़ का तथ्य लाइए, तथ्य और सत्य का मिश्रण कीजिए, समन्वय कीजिए, वो सत्य न्यूज़। तथ्य और सत्य से परे, तथ्य और सत्य से अलग, तथ्य और सत्य से दूर न्यूज़ न्यूज़ नहीं होती है। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं वैसे भी कहता हूँ, कि एक अच्छे संवाददाता को, सजग संवाददाता को, जो जान जोखिम पर खेल करके खबर की सच्चाई तक जाता है, तो उसको जब न्यूज़ को जब भेजे संप्रेषण करे, तो उसमें वो केवल समाचार उसको भेजना चाहिए, अपने विचार नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि विचार और समाचार का स्वरूप अलग होता है, मॉडल अलग होता है, फॉर्मेट अलग होता है। जब आप समाचार सत्य भेजते हैं, समाचार तथ्य के साथ भेजते हैं, अपना कथ्य शामिल नहीं करते हैं, प्रामाणिक भेजते हैं, फेक न्यूज़ से बचते हैं, फेक न्यूज़ को डालते हैं, तो आप पत्रकारिता के साथ न्याय करते हैं, कलम के साथ न्याय करते हैं, घटना के साथ न्याय करते हैं, तो समाज के साथ न्याय करते हैं। तो एक पत्रकार समाज के लिए लोकमंगल का कार्य करता है, लोक हितेश होता है। और एक अच्छे और सच्चे पत्रकार को नारद जी की इसी प्रामाणिकता वाले पत्रकार से लेकर प्रेरणा लेकर के और स्पॉट रिपोर्टिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय कि जो है वो प्रेस विज्ञप्ति या टेबल रिपोर्टिंग पर। तो जो पत्रकारों को मैं सलाह करता हूँ, जो शुभकामनाएं भी देता हूँ, नारद जयंती भी शुभकामना देता हूँ, कि अपने सजगता से प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कलह की कुवत जो है आपके पास जो होती है, तो वो मामूली कुवत नहीं होती है। वो कहता है ना, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, तो कलम जो तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। लेकिन कब, जब इस कलम के साथ आप मिश्रण नहीं करें, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी न्यूज़ में सच्चाई हो, और सच्चाई के साथ ही अच्छाई आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुषार जी को धन्यवाद, उन्होंने मेरे विचार जाने।